अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड का भी रिज़ल्ट आज था और उस हवाले से भी हम अपना एनालिसिस शेयर करते हैं। शॉर्ट वीडियो होती है, कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वे में तेज़ी से कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें बता दी जाएं जिसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा हो। तो इसकी जो सेल्स हैं उसमें कमी हुई है 43%, तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इनकी बढ़ी है 9.44%, और शायद ये इस वजह से है कि जब सेल्स कम होती है तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कुछ होते हैं, जैसे लेबर कॉस्ट और दूसरी कुछ सैलरीज वगैरह होती हैं प्रोडक्शन रिलेटेड स्टाफ की, तो वो स्टेबल रहती हैं, वो फिक्स रहती हैं। रेंट हो गए बिल्डिंग के, तो फैक्ट्री की बिल्डिंग का जो रेंट है वो भी क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनता है, तो डेफिनेटली वो फिक्स रहते हैं। और सेल्स कम हो गई तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स में 9.44% इंक्रीज़ हुआ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी बड़े हैं, 4% के का इज़ाफ़ा हुआ इसमें भी। ये भी शायद सेल्स कम होने की वजह से इम्पेक्ट नज़र आ रहा है कि कुछ से एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स कॉस्ट होती हैं वो बढ़ी हैं। अदर इनकम जो है वो भी नेगेटिव फैक्टर रहा जी, कि वो भी कम हुई इनकी 2.7%, मतलब 2.70%। अदर चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए, वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है जी। फाइनेंस कॉस्ट में भी इजाफा हुआ परसेंटेज के पॉइंट से, और ये मुझे नहीं पता चला कि ये क्यों हुआ। शायद इन्होंने इजाफी लोन्स लिए हैं। अब ये पूरी रिपोर्ट शेयर करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि इन्होंने लोनिंग फाइनेंसिंग मज़ीद इंक्रीज़ कर ली अपनी, शायद यही वजह है कि फाइनेंस कॉस्ट बाकी सभी कंपनीज़ के रिजल्ट्स में कम हो रही है और इनके रिजल्ट में ज़्यादा शो हो रही है। टैक्सेशन में इनका इजाफा हुआ, करंट प्रायर और डेफर्ड तीनों का मिला के अगर बात करें तो 5% का जो है, सॉरी 5% का पॉजिटिव है, ये कम हुआ है, टैक्सेस कम हुए हैं क्योंकि सेल्स और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। इस वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इनका 24.19% है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 38.18% था। 14% की कमी हुई है और अर्निंग पर शेयर इसी की वजह से जो इस क्वार्टर की है 5.39 पर शेयर कम हो चुकी है, और ये एक बुरा रिज़ल्ट था। यही वजह है कि आज लोअर लॉक लगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो अब दोबारा से 150 के अराउंड जाती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट पे डिपेंडेंट है कि ये किस तरह का रिज़ल्ट पेश करते हैं।